हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज चलिए हम आपके बीच फिर से एक नया डिश लेके आ रहे हैं। ऐसे ही डिश पहले भी बना चुके हैं, तो परवल की मिठाई एक नए तरीके से बनाएंगे। तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास खेत है तो खेत से भी तोड़ सकते हैं। मोटा मोटा परवल हम मार्केट से खरीद के लाए हैं, लगभग 1 kg। तो इसीलिए हम इसको बढ़िया से ला करके हम धो लिए हैं। अब इसको छीलेंगे, पानी में नहीं दें। पानी में इसलिए नहीं डालें, पानी में डालने के बाद थोड़ा हार्ड हो जाता है, तो इसीलिए धोने के बाद पानी से निकाल करके इसको छीलेंगे। किस तरह से छीलना है वो भी दिखा देते हैं हम। अच्छी तरीके से इसका हरापन निकाल लेना छील करके। छीलने के बाद भी कोई इसमें पानी में नहीं डालना है इसका, जब तक अंदर से माल नहीं निकालेंगे, बिच्चा नहीं निकालेंगे। अगर पानी में दे देंगे तो थोड़ा हार्ड हो जाएगा, बिच्चा निकालने से हमें टूटने का डर लगता है, तो इसलिए सारा हम छील लेंगे। ये देख सकते हैं, इसी तरह से हम दूसरा पीस भी लेकर के, हरापन ख़त्म हो जाना चाहिए। इस तरह से हम छील लिए हैं, इसको सेट कर लेते हैं। फिर दूसरा इसी तरह से बारी बारी हम सब छील लेंगे। हम सारा परवल को छील चुके हैं और छिलका मेरा साइड हो गया। अब इसका बिच्चा निकालेंगे। ये हमारा परवल है, थोड़ा सा पहले से हम बिच्चा निकाल के छिल के रखे हुए थे, वो भी दिखाते हैं। तो देखिए हमको किस तरह से बिच्चा निकालना है। एक परवल लिए, इसको हाथ से इस तरह से हल्के हाथ से गोल गोल मलना है, मतलब जैसे रोल करते हैं इस तरह से रोल कर लेंगे, जो हमारा ये और सॉफ्ट हो जाता है। और चाकू से इसको हम बीच चीरेंगे इस तरह से, आराम से देखते हैं जगह मिल जाता है। और इस सारा बिच्चा इस तरह से हम एक उंगली या चम्मच के सहारे से हम निकाल लेंगे आराम से। ये हमारा निकाल लिए, इसको सेट कर देंगे और इसको इसी तरह से हम इसमें रख लेंगे। तो सारा परवल को इसी तरह से करना है, एक एक करके। सारा परवल हमारा हो जाएगा तो फिर एक पानी से वाश करके हम इसको थोड़ा देर पानी में, प्लेन पानी में, आज चूना पानी में जो डालते हैं आज चूना पानी में नहीं डालेंगे। तो इस तरह से हम सारा निकाल लिए और बहुत इजी से थोड़ा सा रोल कर लेते हैं हाथ में, तो इजी से निकल जाता है। तो इस तरह से हम सबको निकाल लिए। तो परवल का मिठाई बनाना बहुत आसान होता है, आपको जब चाहे तब बना सकते हैं। परवल का सीज़न आता है तो बहुत स्टार्टिंग बहुत महंगा मिलता है। आप चाहे तो इसमें मावा भी भर सकते हैं, सूजी भून के भी भर सकते हैं, बहुत ऐसा थोड़ा ड्राई फ्रूट भी मात्रा में डाल करके आप इसको बना सकते हैं, कोकोनट पाउडर डाल के भी बना सकते हैं। तो एकदम इजी मिठाई है, आप बना के मेहमानों को, दोस्तों को खिला सकते हैं, किसी संदेश को में भी दे सकते हैं। तो इसीलिए घबराना नहीं है, एकदम आसान तरीका है ये बनाने का। और हम जो बता रहे हैं एकदम इजी तरीके से बता रहे हैं। हम लोग पार्टी शादी में बहुत सारा बनाते हैं, तो आप लोग को समझ में नहीं आता कितना सारा कैसे बनाएंगे। तो क्वांटिटी जितना होगा उस हिसाब से आप काम कर लेंगे। तो ये हमारा सारा परवल का बिच्चा निकल चुका है। अब इसको थोड़ा एक पानी से वाश करके हम लगभग आधा घंटा के लिए नॉर्मल पानी में रखेंगे, जो थोड़ा सा ये हार्डनेस हो जाता है, जो सॉफ्ट होता है। तो इस तरह से हम पानी में डालने के बाद हम वाश कर लेते हैं, जो हम बताए थे एक पानी से, जो हाथ का गंदगी और जो होगा निकल जाएगा। और इस तरह से हम पानी निकाल के एक बर्तन में रखेंगे, फटा हुआ पानी अंदर चला जाता है, तो इस बात को ध्यान देना कि आपको पानी निकाल लेना है। आप चाहें तो छोटा परवल, लेकिन गुद्देदार परवल लेना होगा, मोटा मोटा थोड़ा सा छोटा लीजिएगा तो फूला हुआ मोटा परवल। कभी कदाल आता है देखते हैं एकदम भुजिया बनाने वाला परवल, उस परवल का मिठाई नहीं बनेगा। तो बड़ा और मोटा परवल लेना है। ये हमारा गंदगी निकल चुका है, अब इसको एक पानी में हम देखे छोड़ देंगे, लगभग 15 से 20 मिनट पानी देखे हम इसको छोड़ देंगे, जो मेरा परवल थोड़ा हार्ड हो जाएगा इसमें थोड़ा सा पानी, डुबा पानी देना है। तो हम थोड़ा बड़ा बर्तन में रख लेंगे इसको, परवल डुबा पानी में रखेंगे, जो पानी में जो हिल रहा है इस तरह से हम सारा को डाल देंगे। अगर ये परवल नहीं डूब रहा है तो किसी बर्तन के हिसाब से एक प्लेट लेंगे, इसको इस तरह से हम डाल करके कोई वजन रख देंगे थोड़ा देर के लिए। तो अगर डूबा नहीं रहेगा तो पता चलेगा कुंजी नीचे वाला परवल हार्ड हो गया, ऊपर वाला परवल सॉफ्ट हो गया, इसीलिए डूबा के रखना है। तो परवल को हम पानी में डूबा चुके हैं, इसको ढक देंगे इस तरह से हम, जो थोड़ा सा पानी से दबा रहेगा नीचे, पानी से बाहर नहीं रहना चाहिए। पानी से बाहर रहेगा तो पता चलेगा ऊपर का लेयर मुलायम रहेगा, नीचे कड़ा हो गया, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो इसको इस तरह से कर लेना है। और इस बीच जितना देर में ये हमारा पानी में डूब रहा है, इसको पानी, जो परवल को भापेंगे, पानी थोड़ा गर्म कर लेते हैं। एक कढ़ाई में हम बॉयल करने के लिए पानी चढ़ा दिए हैं, इसको ढक लेंगे, जल्दी हो जाएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं पानी का हमारा क्या स्थिति है। तो लगभग ये हमारा पानी देखिए बॉयल हो चुका है और 20 से 25 मिनट हमारा हो चुका है परवल का। इसको उघाड़ लेते हैं, ये देखिए हमारे ये थोड़ा हार्डनेस हो गया है। तो इसको सारा को इस तरह से हम एक बर्तन में, जैसे हम आपको पहले बताए थे कि इसका पानी भर जाता है, तो इस तरह से हम देखिए अभी थोड़ा, उस समय सॉफ्ट था तो आराम से निकल जाता था, थोड़ा हार्ड हो गया,
इस तरह से हम पानी सबका चुला लेंगे, एक बार में डालेंगे, इन्हें की निकाल लेंगे डाल लेंगे तो उससे कुछ पक जाएगा, कुछ सीज जाएगा, तो इस बात को ध्यान देना है। तो सबको एक ही साथ डालना है। हम इस तरह से हम सबका पानी निकाल लेंगे। और बहुत हार्ड हो गया ये जो हमारा, इसको जिससे मैं बिच्चा निकाल लेते तो बड़ा सॉफ्ट आराम से फैल जाता था, लेकिन आप जिसको ज़्यादा करेंगे तो टूट टूट जाएगा, इसीलिए उसको हल्का हाथ से इस तरह से करेंगे हम। और ये हमारा पानी सारा निकल जाएगा, सारा परवल का पानी निकाल चुके हैं। अब सारा को हम डाल देंगे एक ही साथ, और ज़्यादा देर नहीं, लगभग एक मिनट उलट पुलट करके हम इसको उबाल करेंगे बस। इसको ही नहीं कि परवल कच्चा है तो हमको सुझाना है, ये करना है, वो करना है, वैसा कोई बात नहीं है। इसको इस तरह से हम उलट पुलट करके एक मिनट तक, जैसे पानी अभी उबाल नॉर्मल हो गया है तो थोड़ा सा उबाल आ जाने तक, और जैसे हमारा परवल का थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाएगा, इस सब से हमको नीचे ऊपर करना है बस, डाल के छोड़ नहीं देना है। डाल करके होता है कि हम डाल दिए, अब इसको सिझाना है तो ढक दिए, सिझा देना है, वैसा कम बात भी नहीं करना है इसके साथ, इसलिए हम परवल का मिठाई बना रहे हैं। तो देखते हैं, गर्म पानी में डालने के बाद थोड़ा कलर चेंज हो गया है, थोड़ा सा जब हमारा परवल पकने लगेगा तो हमारा देखते हैं, पहले डाले थे पानी भी थोड़ा भर गया तो नीचे आ गया और थोड़ा कलर भी चेंज हो गया। अगर इसी तरह से छोड़ देंगे तो पता चलेगा नीचे का लेयर पक गया, ऊपर वाला कड़ा हो गया, इसीलिए थोड़ा सा हिला डुला करके पकाना है हमको, इस बात को ध्यान देना है। लगभग आप देख सकते हैं कि पानी हमारा बॉयल हो चुका है, और ये लमसम लगभग में भी ये भी पक चुका है। इससे ज़्यादा बॉयल नहीं करना, खाली एक बॉयल देना है इसमें बस, एक बॉयल से ज़्यादा नहीं देंगे, ज़्यादा दे देंगे तो फिर हमारा परवल बड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, और चाशनी में पकाएंगे तो फिर लुचपुच हो जाएगा एकदम, थोड़ा हार्डनेस नहीं होगा, इस बात को भी ध्यान देना है। पानी में ज़्यादा देर तक नहीं उबालना। गैस को ऑफ कर दिए, अब सारा परवल को हम निकाल लेंगे। इस तरह से थोड़ा देर रखेंगे जो हमारा परवल में पानी भरा हुआ निकल जाएगा। अब कलर भी देख सकते, कलर भी चेंज हो गया है। इसको इसी तरह से हम पानी में डाल देंगे। इसी तरह से बारी बारी हम सब निकाल लेंगे और ठंडा पानी में डाल दे जाएंगे। हमारा कुछ पानी कम है तो इसमें पानी और डालेंगे। परवल डुबाने हैं, इसको डुबाना है, इसको सेट कर लेते हैं। अब इसका चाशनी तैयार कर लेते हैं। जितना देर में चाशनी होगा इतना देर में ये परवल भी नॉर्मल हो जाएगा। ऐसे ठंडा पानी में दिए हैं तो ठंडा भी हो चुका है, लेकिन कुछ पानी में थोड़ा देर रहने देते हैं। इस कप से लगभग 6 कप चीनी इस्तेमाल करेंगे हम। ये हमारा 2, ये हमारा 6 कप। चाशनी ज़्यादा बना रहे हैं कि परवल को अच्छे तरीके से चलाने में कठिनाई नहीं हो। चाशनी में डूबा रहना चाहिए परवल, तो इसीलिए थोड़ा चीनी ज़्यादा लिए, लेकिन चीनी इतना नहीं लगेगा। तो इसका जो मेरा एक्स्ट्रा चाशनी जो बचेगा उसको दूसरे चीज़ में हम यूज़ कर लेंगे। तो गैस को ऑन कर लेते हैं, और आपको पहले भी हम बताएं जितना चीनी डालते हैं उसका मात्रा में पानी आधा डालेंगे तो हमारा झटपट काम हो जाएगा। तो लगभग 1 kg हम इसमें पानी डालेंगे और इसको चलाते रहेंगे, जब तक हमारा चीनी घुल ना जाए तब तक चलाते रहेंगे। अगर चीनी छोड़ देंगे तो हमारा चीनी नीचे जल जाएगा और रस का कलर, चाशनी का जो कलर ख़राब हो जाएगा, इसीलिए इसको जब तक हमारा हो तब तक इसको चलाते रहते हैं। आप देख सकते हैं हमारा चीनी अच्छी तरीके से गल गया है, और थोड़ा सा चीनी का जो गंदगी ऊपर आ गया उसको निकाल लेंगे हम। इस तरह से इसका गंदगी हम सारा निकाल लेंगे, थोड़ा सा बॉयल होने देंगे और इसका गंदगी एक बार और जमेगा। इसको इसके लिए फ्रेश कर लेंगे, और चाशनी थोड़ा हमारा परफेक्ट है। फिर से साइड में गंदगी जम गया, इसको निकाल लेंगे हम, और इसको एक बार फिर तेज करेंगे, जो थोड़ा सा बॉयल होगा तो हमारा गंदगी जमेगा। फिर नॉर्मल करेंगे हम गैस को, और ये हमारा फिर गंदगी हम निकाल लेंगे। इसी तरह से एक दो बार करके इसको अच्छी तरह से गंदगी निकाल के साफ़ कर लेंगे हम। इसमें कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं, कोई कलर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। लगभग 1 मिनट तक अच्छी तरीके से बॉयल होने देंगे। ये हमारा चाशनी लगभग चढ़ाए हुए 20 मिनट हो चुका है, और एकदम पतला भी ना है, एकदम ज़्यादा गाढ़ा भी ना है। पतला में देंगे तो थोड़ा परेशानी होगा, इसीलिए एकदम 2 ताड़ वाली चाशनी में देना है। ये हमारा चाशनी कंप्लीट हो चुका है, अब देख सकते हैं, थोड़ा सा उठा के देते हैं तो मोटा मोटा लच्छा गिरने लगता है। तो अब इसमें हम सारा परवल को पानी से बाहर करेंगे, और एक ही साथ हम इसको डालेंगे, इसमें बारी बारी नहीं डालेंगे। इस तरह से सब पानी को झाड़ लेंगे और निकाल लेंगे। सारा परवल हम निकाल चुके हैं पानी से बाहर, इस चाशनी में हम सारा परवल डाल देंगे इस तरह से, और लगभग 10 मिनट तक इसको इसी तवे में पकाएंगे। पकने के बाद थोड़ा सा खुश कलर चेंज हो जाएगा, तो हम सारा को डाल दिए, और इस तरह से हम नीचे ऊपर करेंगे जैसे
पानी में डालने समय किए थे उस समय तक इसको अच्छी तरह से उबाल आने तक नीचे ऊपर करके पकाना है। जब हमारा ये परवल पकने लगेगा तो थोड़ा सा कलर चेंजिंग आ जाएगा। आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से उबाल आ चुका है इसमें। इसको लगभग उबाल आने के बाद 4 से 5 मिनट तक हम इसको नीचे ऊपर करके पकाएंगे, जो हमारा परवल अच्छी तरीके से चाशनी में पक जाएगा। पानी में सिझाना नहीं था तो उबाल आने अच्छी तरीके से उबाल आने के बाद 5 से 7 मिनट पकाएंगे हम। तो अभी हमारा कंप्लीट हो चुका है, लगभग टोटल 5 से 6 मिनट हो चुका है। अब इसको हम गैस को बुता देते हैं और इसको नॉर्मली ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब कलर देख सकते हैं, कलर थोड़ा हमारा परवल का चेंज हो चुका है। और अब फैन के नीचे छोड़ देंगे इसको अच्छी तरीके से। जब ठंडा होगा तो इसमें मटेरियल तैयार करके हम इसमें मटेरियल भरेंगे। इसको अभी फ़िलहाल इसलिए चला रहे हैं जो रस का एक्स्ट्रा गर्मी है उसको निकाल लेना है। तो ये हमारा परवल ठंडा हो चुका है तो इसको हम चाशनी से निकाल के पूरा ठंडा होने के लिए इसको फ्रिज में रख देंगे हम। इसको चाशनी से निकाल करके पूरा ठंडा होने के लिए हम इसको फ्रिज में रख देंगे। चाशनी इस तरह से निकाल लेंगे और जितना देर में हमारा फ्रिज में ठंडा होगा इसका स्टफिंग के लिए मसाला तैयार कर लेंगे। तो मसाला में क्या क्या देंगे वो दिखा देंगे हम आपको। तो इसका स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग तैयार करने के लिए एक पैन लिए हैं, पैन गर्म होने के लिए चढ़ा दिए हैं। इसमें ज़्यादा नहीं 1 चम्मच घी डालेंगे, 25 ग्राम के अंदाज चिरौंजी दाना इसमें डालेंगे। इसको धीमा दाम में हल्का से सेक लेंगे। खाने वाला चम्मच से 1 चम्मच मगज, दोनों को भून लेंगे। लगभग 1.5 से 2 मिनट तक हम धीमा दाम इसको सेक लेंगे। इसको भूनने के बाद गैस को बंद कर देंगे। इसी गर्म में हम थोड़ा सा टुकड़ा काजू डाल देंगे। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा किशमिश डालेंगे हम, इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसमें हमारा मार्केट से लाया हुआ मावा है वो ऐड कर लेंगे, लगभग 250 ग्राम है। इसको सब ऐड कर लेंगे हम। अभी पैन गर्म है, ठंडा नहीं है। अगर पैन ठंडा जाता है तो थोड़ा सा खोआ भून लेते हैं, मार्केट का लाया हुआ। अगर कोई भी तरह की बात होगा थोड़ा सा भून लेंगे तो इसका लाइफ बढ़ जाता है। इसको धीमा था में 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे। हमारा खोआ गर्म हो जाएगा, थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाएगा और 1-2 दिन का लाइफ। अभी तो गर्मी के समय में परवल का मिठाई बनाना और खाना है तो 1-2 दिन रखना चाहते हैं तो थोड़ा सा खोआ सेक के डालिए। तो इसमें थोड़ा सा भुना हुआ सूजी मिलाएंगे हम। इसमें सूजी भुना हुआ और थोड़ा सा पिसा हुआ चीनी डाल दिए। सूजी को सॉफ्ट करने के लिए हल्का सा दूध का छींटा डालेंगे। ये हमारा थोड़ा सा गुलकंद है टेस्ट के लिए हम। तो लगभग पान में जो मीठा पान में जो खाते हैं गुलकंद, वो गुलकंद है। इसमें थोड़ा सा दूध में घोल के डालेंगे जो इसका फ्लेवर और टेस्ट बहुत बढ़िया करेगा। गुलकंद को थोड़ा सा दूध डालें, इसको घोल लेंगे इस तरह से। और ये जो हमारा मावा तैयार किए हैं उसमें दे करके मिला लेंगे अच्छे तरीके से। जो हमारा थोड़ा देर के लिए ये सॉफ्ट भी हो जाएगा और मिक्स अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा। और थोड़ा देर इसको हम छोड़ देंगे जो सूजी और मावा एक नियर हो जाएगा। थोड़ा सा दूध डालेंगे, क्या सूजी भुना हुआ है टाने का तो दूध नॉर्मल ही लेना है। इसको थोड़ा सा ठंडा लेते हैं, अभी थोड़ा सा उसमें इसको ठंडा लेते हैं। उस बीच हम जो परवल ढक्कन में निकाल के फ्रिज में रखे थे, हमारा परवल भी ठंडा जाएगा। जब भरने से लगेंगे तो इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे फ्लेवर के लिए। स्टफिंग के लिए मसाला रेडी कर लिए हैं, अब इसको स्टफिंग करेंगे। ये भी हमारा ठंडा हो चुका है, अब इसमें थोड़ा सा हम इलायची पाउडर डालेंगे। ऐसे फ्लेवर में गुलकंद डाल ही दिए तो कोई भी दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी इलायची का अपना टेस्ट होता है। थोड़ा सा 1 चुटकी इलायची पाउडर, इसको अच्छा से मिक्स कर लेंगे। हमारा ये देखने से पता नहीं, एकदम नहीं चलता होगा कि ये मावा है या सूजी है, तो एकदम परफेक्ट हो गया हमारा। तो इस तरह से हम पहले छोटा छोटा गोला बना लेंगे या गोला बनाएंगे और
परवल इस तरह से उठाएंगे हम हाथ में और इसको भरेंगे। इस तरह से आप लेके भर सकते हैं और थोड़ा सा इसको खोल देंगे जो हमारा घुल जाए। इस तरह से फिर हम इसको यहाँ लगा लेंगे। फिर से एक एक करके हम उसी तरह से हम सबको भर लेंगे। मसाला भरने में कसर नहीं करेंगे, पहले मुठाला बना लेंगे, इसको भर लेंगे, आसान होगा भरने में। इसको अंदर डालने के बाद थोड़ा सा इसको हाथ से ढीला कर लेंगे। ये हमारा सारा परवल स्टफिंग हो गया एक नए तरीके से, नए स्टाइल में। तो इसको एक बार जरूर ट्राई करें। मिलते हैं ऐसे ही नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।